वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मीट माई सेल्फ दिस इज मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी बिफोर ऑफ यू ऑन द पार्ट ऑफ न्यू हराइन पब्लिक स्कूल एज ए मैथ टीचर दिस इज द वीडियो फॉर क्लास एट स्टूडेंट दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर टू एंड एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर नीचे दिए गए इक्वेश्स को हमें सॉल्व करना है और उनका जो आंसर आएगा उसको चेक करना है पहला क्वेश्चन है थर्टीन एक्स माइनस एट अपॉन फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतार लिया सॉल्यूशन लिखकर थर्टीन एक्स माइनस एट अपॉन फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 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 के नीचे हमने नंबर ले लिया अपॉन में टू अपॉन वन और ये मैंने एरो लगा दिया देखिए क्रॉस एरो लगा रखे है यानी कि इसका मतलब क्या है हम वन की मल्टीप्लाई थर्टीन एक्स माइनस एट से करेंगे और टू की मल्टीप्लाई फोर एक्स प्लस वन से करेंगे थर्टीन एक्स माइनस एट की मल्टीप्लाई जब हम वन से करेंगे तो थर्टीन एक्स माइनस एट ऐसे ही आ जाएगा ठीक है इसके बाद टू की मल्टीप्लाई हमें फोर एक्स प्लस वन से कर ली है तो इसके अंदर हमने ब्रैकेट लगा दिया फोर एक्स प्लस वन के अंदर राइट इसके बाद थर्टीन एक्स माइनस एट ऐसे ही उतार देंगे इस लगाएंगे, टू की मल्टीप्लाई फोर से करेंगे टू फोर झाई एट और एक्स ऐसे ही उतार देंगे फिर इसके बाद प्लस का निशान है यहाँ प्लस आ जाएगा टू की मल्टीप्लाई वन से करेंगे टू वन झा टू अब इन नंबरों को हम ट्रांसपोज करेंगे जो हमारे पास इक्वेश्स हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे देखिए x वाले नंबर एक तरफ करेंगे और बिना x वाले नंबर एक तरफ तो थर्टीन एक्स ऊपर से नीचे उतर जाएगा ठीक है अब ये प्लस का एट एक्स है जब हम इसे लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का एट एक्स इज इक्वल टू अब ऊपर से आपने नीचे ऐसे ही लिख दिया एज इट इज कोई साइन चेंज नहीं होगा अब ये माइनस का एट इधर लाना है हमें यहां पर आकर ये प्लस का हो जाएगा तो टू प्लस एट थर्टीन में से एट जाएंगे फाइव बचेंगे फाइव एक्स इज इक्वल टू और टू और एट कितने होते हैं टेन अब एक्स को बाहर निकालेंगे और टेन अपॉन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा इसकी अब हम फाइव की डिवाइड टेन से कर देंगे ठीक है आपको याद होगा जब मैं आपको इसकी कंडीशंस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इक्वेशन डिवाइड में कोई भी इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है ठीक है समझ रही है नहीं बात अब देखिए जिससे यहां पर है फाइव तो अब फाइव के अगर फाइव से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा 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 x बचेगा और 10 के तो के नीचे क्या आ आ तो टेबल में 10 कौन से जगह पर टू प्लेस करना है देखिए थर्टीन एक्स है तो थर्टीन की मल्टीप्लाई टू से करेंगे माइनस एट सेम उतर जाएगा अपॉन में फोर इन टू यानी कि की वैल्यू जो टू प्लस टू हमारा 2 चलता रहेगा 13 26, इसके बाद है minus 8, upon में क्या जाएगा तो में 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 से 8 less करेंगे 18, upon में क्या जाएगा 8 और 1, 9. Is equal to 2 में हमारा टू चलता रहेगा राइट हैंड साइड है ये नाइन के टेबल में 18 टू नंबर पर आएगा और इज इक्वल टू टू तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गए एल जो है आर के बराबर आ गए इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है इसी तरह से आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर आपको सॉल्व करना है मैं इसकी पिक्चर आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा ठीक है आई थिंक यू विल लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट